दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखें तो हमें ऐसे कई शासकों के बारे में पता चलेगा जो क्रूर और निर्दयी हुआ करते थे, पर उस वक्त के ज़्यादातर शासक भी ऐसे ही हुआ करते थे। ऐसे में उनमें ज़्यादा फर्क तो बिल्कुल नहीं था, पर आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शासक के बारे में जानेंगे जो बाकी शासकों से बिल्कुल अलग था और जिसमें क्रूरता और निर्दयता इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी थी। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी शासक कहा गया। तो आइए जानते हैं। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़ जाती थी। चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान के पिता यंगूसी बगातुर उनके कबीले के सरदार थे। चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का ही हुआ था कि उसके पिता का निधन हो गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान ने कभी हार नहीं मानी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से वो बचपन से ही युद्ध कला की बारीकियां सीखता जा रहा था। चंगेज खान हमेशा से ही एक गुस्सेल स्वभाव का इंसान था। बचपन में जब उसके छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी कर खा ली थी तो इतनी छोटी सी बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने छोटे भाई को ही जान से मार दिया था। चंगेज खान के साथ खान लगा होने की वजह से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंगेज खान का असली नाम था तुमेजिन। युद्ध कला में कुशलता के चलते उसने अपने कबीले में एक अच्छा ओहदा हासिल कर लिया था और जब मंगोलों की सभा हुई तो उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। साथ ही उसे कगान की उपाधि भी दी गई जिसका मतलब होता है सम्राट। बाद में ये आगे चलकर खान में बदल गया। उसने लड़ाई में जिस भी क्षेत्र को जीता उसके निवासियों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसी वजह से उसे आगे चलकर चंगेज नाम से जाना जाने लगा। तुमेजिन अब चंगेज और कगान अब खान में बदल चुका था। फिर जब नाम सामने आया तो वो नाम था चंगेज खान। तुमेजिन जब खान बन गया तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। जिस उम्र में ज़्यादातरों की ख्वाहिशें होती हैं कि वह आराम करे, उस उम्र में चंगेज खान ने अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की थी। उसकी सफलता देखकर उसके दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था और जब वह शिकार से वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला तो उसने अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी और बाद में उसे जीत भी मिली। उसके बाद तो वो कभी रुका ही नहीं और चंगेज खान दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन गया। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच लड़ाइयाँ जीतकर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था और जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर था। इतना बड़ा क्षेत्रफल धरती पर जमीन का 22% भाग था, जो वर्तमान में देखा जाए तो वह भारत से भी 10 गुना ज़्यादा था। चंगेज खान का साम्राज्य चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक फैला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त इतना बड़ा क्षेत्र कोई भी दूसरा सम्राट कभी जीत नहीं पाया था। वैसे तो मंगोलिया के खानाबदोश लोग बहुत बलशाली होते हैं, पर उनकी ताकत शायद उनके कभी काम नहीं आ पाती अगर उन्होंने चंगेज खान को अपना सरदार ना चुना होता। चंगेज खान की खासियत ये थी कि वो बड़ी ही सावधानी से और समझदारी से युद्ध किया करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की युद्ध कला सिखा रखी थी। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों पर भी उसने खूब मेहनत की थी। उसने इस बात का ध्यान रखा था कि अगर युद्ध के दौरान एक घोड़ा मर जाए तो उसके बाद दूसरा घोड़ा फौरन सैनिकों तक पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में जीतने के लिए घोड़ों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता था।
युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना की तुलना में कम होती थी, लेकिन अपनी बेहतरीन योजना, कुशल सैनिकों और मजबूत संगठन की वजह से चंगेज खान युद्ध में जीत ही जाता था। यूं तो चंगेज खान कई कारणों से विख्यात था, पर वो इन दो महत्वपूर्ण कारणों से भी जाना जाता था। पहला, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और दूसरा, अपनी क्रूरता के लिए। वो जिस भी क्षेत्र से गुजरता था वहाँ के नगरों को बर्बाद कर देता था और लोगों की हत्याएं कर देता था। इतिहासकारों के अनुसार उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि उस वक्त की जनसंख्या की तकरीबन 11% आबादी थी। उसकी क्रूरता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसने 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का सफाया कर दिया था, जबकि उज़्बेकिस्तान के बड़े नगर बुखारा और राजधानी समरकंद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जहां 10 लाख की आबादी हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। जितनी आसानी से उसने लोगों को मौत के घाट उतारा था, उतनी ही जनसंख्या को वापस उभरने में 700 सालों का लंबा समय लग गया। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया, तो वहां भी उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। इन सब से हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंगेज खान कितना बड़ा क्रूर और निर्दयी सम्राट हुआ करता था। चंगेज खान की योजना यह थी कि वह भारत के राज्यों को जीतते हुए मंगोलिया वापस लौटेगा, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद वो वहीं से वापस लौट गया। नहीं तो अगर चंगेज खान भारत आता तो शायद भारत की दशा तब कुछ और ही हो जाती, ना जाने कितनों की जाने जाती सो अलग। भले ही चंगेज खान बहुत ही निर्दयी और क्रूर था, पर फिर भी वह सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। चंगेज एक तरह की विचारधारा क्षमावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। अपने मरने तक भी चंगेज खान क्षमावाद को मानता रहा। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह हमेशा नीले आकाश को देखा करता था। चंगेज को बाज पालने का भी काफ़ी शौक था, और इसी वजह से उसके पास तकरीबन 800 से भी ज़्यादा बाज हुआ करते थे। ये तो कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत कैसे हुई और उसे कहां दफनाया गया। कुछ का कहना है कि उसकी मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नॉलेज ज्ञान टीवी।